के साथ क्या आरसीबी के साथ कोई, मैं ज्यादा कड़ा शब्द नहीं बोलना चाहता, कोई बाय डिफॉल्ट प्रॉब्लम तो नहीं है कि आरसीबी में केवल कोहली ही बल्ले घुमा रहा है बाकी सारे खामोश रहते हैं? नहीं, इसके ऊपर एक दूसरा जवाब देऊंगा। और अगर आपने पूछा है बाय डिफॉल्ट किसकी प्रॉब्लम है, मेरे ख्याल से बाय डिफॉल्ट उनके प्रतिमेश मिश्रा की फॉल्ट है जो वहाँ के चेयरमैन है, उनकी पूरी टीम की जो ऑक्शन में बैठती है, क्योंकि वो सिर्फ चार प्लेयर्स पे अपना हाथ उठाती है और उन्हीं को वो रिटेन करती रहती है, तो कुछ मेहनत ये करके आते नहीं है। मेरे ख्याल से दुनिया में सबसे आसान काम इनको लगता है ये है कि बड़े नाम पे जाओ, ऑक्शन में हाथ उठाओ और वहीं पे काम खत्म है। तो मेरे ख्याल से प्लेयर्स को ज़्यादा बोलना ठीक नहीं है। ऑक्शन में एक हम स्पेशल सेगमेंट करना चाहिए अतुल वासन को लेके, जिसमें ये करें कि ऑक्शन में कौन से ऑक्शन के मुजरिम है, जैसे आप मैच का मुजरिम करते थे, अब ऑक्शन के मुजरिम कीजिए। अब आते हैं दूसरी बात पे, हम कार्तिक दिनेश कार्तिक को अक्सर गुड विकेट कीपर करते थे, अभी ये ऑब्जर्वेशन है, देखिए स्टैट्स कभी झूठ नहीं बोलते, उन्होंने 251 रन बनाए, विराट कोहली ने 379 बनाए, कार्तिक ने लिए 128 गेंदे, विराट कोहली ने लिए 252 गेंदों पे 379 रन, एवरेज दोनों की लगभग एक है, जरा ध्यान देना इस बात पे, 62 और 63 की है, कार्तिक की 62 है उनकी है, कार्तिक की स्ट्राइक रेट है 196, विराट कोहली की 150, चौके कार्तिक ने 19 मारे, विराट कोहली ने 36 मारे, और कार्तिक ने 19 छक्के और 16 बाउंड्रीज मारी है। इसकी एक चीज दिखाता है कि अगर 128 बॉल खेल के कार्तिक 251 रन बना रहा है और विराट कोहली 252 गेंदे खेल के 380 रन के आसपास बना रहे हैं, इसका मतलब है कार्तिक अपने आप में एक सुपरलेटिव बैट्समैन है। आप विकेट कीपिंग भूल जाइए, अगर वो उतनी बॉल्स खेलते 379, कोहली जितनी 252, तो उनका भी स्कोर काफ़ी अच्छा होता और उनकी जो हिटिंग रेट है, स्ट्राइक रेट, वो 200 के करीब है। तो इससे एक चीज़ दिखाता है कि कार्तिक एक शेड नीचे विराट कोहली से, और दूसरी बात कि इसको सिर्फ हमें एज अ विकेट कीपर नहीं बट एज अ स्पेशलिस्ट बैट्समैन भी देखना चाहिए। तो मेरा ये सवाल राजकुमार जी से, सर कहीं आपको ये तो नहीं लगता ये डार्क हॉर्स है पिछले एक हफ्ते में काफी अच्छी वो कर रहा है, क्योंकि ये स्टैटिस्टिक्स तो यही दिखाते हैं? देखिए स्टैटिस्टिक्स ये कालरा जी कुछ अलग बोलते हैं, लेकिन हर एक प्लेयर का रोल होता है। आप अगर दिनेश कार्तिक को ओपन करने के लिए बोल देंगे या नंबर 3 खिलाएंगे तो शायद उनका ये स्ट्राइक रेट नहीं होगा। अभी उनको एक जॉब दिया गया फिनिशर का, जो उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से निभाया है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन वो उनका रोल वही है कि वो लास्ट के 5 ओवर में जाएं और जाकर 30-35 रन बनाएं जिससे उनका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा हो। और जब आपके सामने एक डॉन्टिंग टोटल होता है कि आपको 240 रन चेज करने हैं, आप ओपन कर रहे हैं, तब आपको वो स्ट्राइक रेट मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि तब आपको ध्यान में रखना होता है कि मेरे सामने से 2 विकेट आउट हो गए, अब मुझे संभल कर खेलना है। तो हर एक का अपना रोल है, लेकिन बहुत शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं दिनेश कार्तिक, इसमें कोई डाउट नहीं है। और रियली एक उन्होंने चुनौती रखी है सेलेक्टर्स के सामने कि क्या उन्हें फिर दोबारा वो एक डार्क हॉर्स की तरह रहेंगे वर्ल्ड कप के लिए, क्योंकि एक बहुत अच्छा दावा उन्होंने पेश किया है अपना इस बल्लेबाजी करके और उस रोल में, उस फिनिशर के रोल में जहां पर वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। देखिए स्टैटिस्टिक्स को अच्छे से समझाना ये कितनी एक बड़ी कला है, और जो राजकुमार साहब बखूबी तरह से बहुत अच्छा निभाते हैं। राजकुमार सर एक बात इसी की आपकी ऑब्जर्वेशन को लेके स्टैटिस्टिक्स को ऊपर से तड़का लगा के एक सवाल पूछ लें अगर आप इजाजत देता हूं। जी जी बोलिए। तो ऐसा कहीं देखा जाता है कि बिटवीन फाफ दुप्लेसिस कार्तिक और कोहली ये अराउंड 52-57% रन्स बना रहे हैं, किसी भी आंकड़े से आप देखें, किसी भी परमिटेशन फर्स्ट या सेकेंड, आपको लगता है ये सबसे बड़ा डेंजर है आरसीबी का कि सिर्फ 3 ही बल्लेबाज 52% बना दें? क्या ये रीजन है इनका ना होना, क्योंकि चलता सिर्फ पाटीदार है, उसके बाद पूरे 1-2-10-10 मोबाइल नंबर जैसा इनकी कड़ी होती है? बिल्कुल सुनील, ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है आरसीबी के साथ कि उनके 3 प्लेयर ही यहाँ पर अगर आप देखें स्टैट्स में है सुनील यश कालरा के पास, बाकी कोई भी नहीं है। तो ये भी बहुत अनफॉर्चुनेट है, आरसीबी को ये पता होना चाहिए कि सुनील यश कालरा के पास क्यों नहीं है हमारे बाकी प्लेयर्स वो का स्टैट्स है, बिकॉज दे हैव नॉट डन वेल, एंड ये दैट वॉज ऑन द लाइटर नोट, बट दिस इज राइट कि ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि 3 ही प्लेयर आरसीबी के लिए अभी तक रन बनाए हैं, बाकी किसी का भी रन कोई कॉन्ट्रीब्यूशन बड़ा नहीं है।
और ये क्रिकेट एक टीम गेम है, इसमें एवरीबॉडी हैज टू कंट्रीब्यूट, और वहीं पर लैक कर रही है आरसीबी, और इसीलिए इन तीनों के ऊपर बहुत प्रेशर रहता है कि ये अपने स्ट्रोक्स खेले नहीं खेले, क्योंकि जैसे ही ओपन करते हैं विराट और स्वाइफ तो उन पे प्रेशर रहता है कि अगर हम दोनों में अगर जल्दी आउट हो गई तो टीम को कौन संभालेगा, तो वो भी एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है। और जैसे कि एसआरएस के पास कुशन है कि वहां पर अभिषेक और हेड आकर खुले दिल से बल्लेबाजी करते हैं, जानते हैं कि बाद में उनका मिडल ऑर्डर इतना स्ट्रांग है, वहीं पर आरसीबी बिल्कुल लैक कर रही है मिडल ऑर्डर में।